स्थानीय विद्यापुरा क्षेत्र के कृषक राधेश्याम यादव ने 2 एकड़ में मिर्च के पौधे 1355 क्वालिटी और पद्मा क्वालिटी उत्पादन हेतु तिरुपति नर्सरी बड़वास से 16,000 पौधे खरीदे थे, परंतु जो बीज के पौधे दिए गए थे उक्त पौधे बुकिंग के न होने से अन्य कंपनी के दे दिए गए हैं, जिससे मिर्च का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। गरीब किसान का 2 एकड़ में कुल 5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है, जिससे किसान कर्ज भी नहीं दे पा रहा है। इस संबंध में तिरुपति नर्सरी के संचालक लक्ष्मण काग निवासी बड़वा को उक्त कृषक ने कई बार फोन लगाकर बताया कि मेरा मिर्च का पौधा गलत आ चुका है, इसकी जांच के लिए कंपनी वालों को भेजो, परंतु नर्सरी के संचालकों के द्वारा कृषक को 2 माह से गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध में कृषक द्वारा उद्यानिकी विभाग को आवेदन दिया, परंतु विभागीय कार्यवाही नहीं हो पाई। हमारे प्रतिनिधि ने जब उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जल्द ही साइंटिस्ट टीम को भेजने का आश्वासन दिया और संबंधित नर्सरी के मालिक पर उचित कार्यवाही करने की बात कही। अब देखना यह है कि मिर्च की फसल के नकली पौधों के रूप में पैसे की ठगी पर क्या कार्यवाही होती है और कृषक को क्या न्याय मिलता है। टांडा बरूड से रूपेश प्रजापत की रिपोर्ट। तिरुपति नर्सरी बड़वा द्वारा आपको नकली पौधे दे दिए गए, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? कि सर, मैं ये चाहूंगा कि भाई मैंने 1355 बुकिंग करी थी तो 1355 का तो एक भी पौधा है नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तो आज घाटे में हूँ ना, मेरे को तो 5 लाख 10 लाख का घाटा है मेरे को। आपने कितने हजार पौधे बुक करे थे? मैंने 16,000 बुक करे थे। आप नर्सरी वालों को सूचना दी आप लोगों ने? मैंने सूचना दे रखी है, 1 महीने से मैं फोन लगा रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे अभी। और आने के लिए बोल रहे हो, सिर्फ लालीपॉप पकड़ाते जा रहे कि आओ आएंगे आएंगे विजिट करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई सा भी विभाग आए और इसकी इंक्वायरी करे, भाई 1355 पौधा है कि नहीं इसमें। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? राधेश्याम यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।